फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके के वेस्ट कमल विहार घर में हुआ ब्लास्ट धमाके में घायल हुए दो नाइजीरियन नागरिक युवाओं की इलाज के दौरान हुई मौत। किराए के घर में नशे का सामान बनाने का कर रहे थे अवैध कार्य, उसी दौरान हुआ जोरदार ब्लास्ट। कार्रवाई करते हुए पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा चार पुलिस कर्मियों को भी किया गया लाइन हाजिर। फिलहाल बुराड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। 23 व 24 फरवरी दरमियानी रात की घटना, बीती रात हुई मौत। नॉर्थ दिल्ली के बुराड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जानकारी के मुताबिक वेस्ट कमल विहार में दो नाइजीरियाई नागरिक युवक कुछ ही दिन पहले ही प्रॉपर्टी डीलर नफीस खान के मकान में किराए पर रहने के लिए तीन कमरे लिए गए, जिनका किराया करीब 12,000 रुपए बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस क्षेत्र में पहले भी बड़ी संख्या में अलग अलग मकान के अंदर किराए पर नाइजीरियन नागरिक रहते हैं। वेस्ट कमल विहार इलाके में निगम पार्षद कार्यालय के पास 23 और 24 फरवरी की रात को अचानक उनके कमरे में ब्लास्ट हुआ और दोनों नाइजीरियाई युवक घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि उस समय वहां चार लोग मौजूद थे। धमाके के बाद कमरे से बाहर मौजूद दो नाइजीरियन लोगों ने अपने घायल साथियों को इलाज के लिए तुरंत एक ओला कैब बुक कर घायलों को यहां से द्वारका इलाके में लेकर चुपचाप पहुंचे, जहां पर इस बात की सूचना पुलिस को मिली। वहीं फिर वहां से दोनों घायलों को एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान सोमवार रात दोनों ही घायलों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, हैरानी की बात यह है कि हादसे के तुरंत बाद ही घायल नाइजीरिया के अन्य साथियों ने तुरंत ही इस बात की सूचना बिना किसी को दिए घायलों को लेकर यहां से फरार हो गए। उससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि कुछ ही घंटे के बाद फिर यहां कमरे में तमाम सामान को इकट्ठा कर सब कुछ पहले की तरह साफ करने की कोशिश की गई। वहीं इसका एक सीसीटीवी भी पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें नाइजीरियन बोरियों में भरकर सामान लेकर जा रहे हैं। घर के आसपास कुछ वेस्ट सामग्री डालकर आग भी लगा दी गई। इस बात की सूचना पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी नहीं मिली। सुबह के वक्त जब मकान मालिक नफीस खान मौके पर पहुंचे तो पुलिस को इस बात की सूचना दी। बुराड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तख्ती शुरू की गई। आपको बता दें, घायलों को पहले उत्तम नगर इलाके में उनके साथियों द्वारा लिए जाया गया, जहां पुलिस को भी सूचना मिली। द्वारका थाने में मामले को देखते हुए आईपीसी की धारा 287-304A दर्ज की गया, जिसकी सूचना नॉर्थ जिला दिल्ली पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर नारकोटिक्स क्राइम टीम, फॉरेंसिक जांच के लिए कई प्रकार की एजेंसियां घटना स्थल का निरीक्षण कर जांच पड़ताल में जुटी। आपको बता दें, इस हादसे को लेकर शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि नशीला पदार्थ को तैयार करने के लिए किसी केमिकल का प्रयोग किया जा रहा था, जिस चलते दौरान ब्लास्ट हुआ और ये दोनों लोग घायल हो गए और किसी तरह से नशे के अवैध कारोबार की अंजाम देने आशंका देखते हुए लापरवाही के आरोप में बुराड़ी क्षेत्र में तैनात चार पुलिस कर्मियों को भी लाइन हाजिर कर दिया गया। फिलहाल बुराड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।